बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुग़ीस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के ISI के हवाले से दिए गए बयान के बारे में, जो उन्होंने कहा है कि ISI को पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने किस वजह से ये बात की है और इमरान खान साहब का इससे लिंक कैसे है, क्योंकि अब मरियम नवाज़ की ज़हनी हालत पर जो है वो तरस आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ऐसे बयानात दे रही हैं कि जिसके बाद लग यही रहा है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठी हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आसिफा भुट्टो के हवाले से कि आसिफा भुट्टो को, चलो जो उनके पार्टी के लीडरान हैं या कारकुन हैं, वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, वो उसे अपना आका तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान में जो सहाफ़त है और जो सहाफ़ी हैं वो जितनी जल्दी बेनकाब हो जाते हैं इतना शायद किसी दुनिया में या किसी की दुनिया किसी ममालिक में होता हो। हामिद मीर साहब अब पार्टी वर्कर नहीं हैं, लेकिन वो भी एक ग़ुलामी में शामिल हो गया है कि पहले उन्होंने जरदारी की ग़ुलामी की, फिर बिलावल की, अब उनकी छोटी बहन जो हैं आसिफा भुट्टो की भी अब ग़ुलामी शुरू कर दी है और कॉलम में उनकी जो है तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। ये सहाफ़त तो नहीं है, ज़ाहरी बात है, लेकिन उन्होंने किया क्या है और आसिफा भुट्टो किस तरह लीडर बनाने की कोशिश की है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ के उस बयान के हवाले से जो उन्होंने जाती उम्रा में मुल्तान में जो जलसा है PDM का, वहाँ पहुँचने से पहले, रवानगी से कबल यूँ कह लें कि उन्होंने साफ़ी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बात की है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हैं उनका फ़ोन जो है वो रिकॉर्ड करती हैं, तो वो तो कहते हैं ये फ़ोन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या आपको इस बात पे एतराज़ है? लेकिन अगर आप वो जाएं वीडियो देखें तो जो ये सवाल है, ज़ाहरी बात है किसने इनको सवाल दिया था, और आपको पता कि मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी मैनेज करने में बहुत जो है आगे हैं और अपना सानी नहीं रखते। खैर, ये सवाल हो गया, मैनेज हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मरियम नवाज़ का जवाब सुने आप। मरियम नवाज़ कहती हैं कि पाकिस्तान के ये चौकीदार जो बने हुए हैं ये हमारी चौकीदारी ना करें, हमारे फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड ना करें, बाहर जाकर जो है वो फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करें, और मुझे तो इस पे एतराज़ है, ये आइनी तौर पर सही नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियों को कतन ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का या किसी और का फ़ोन कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करें। तो ज़ाहिर बात है फिर जब ये काम नहीं करना एजेंसियों ने तो वो उन्हें फिर घर भेज देते हैं, घर बिठा देते हैं, और उन पर इल्हामी, जैसे इल्हाम होता है ना, तो इल्हाम होगा कि यार ये पाकिस्तान में हो रहा है और ये इंटेलिजेंस आ रही है, सारा मामला करना है। लेकिन इमरान खान साहब, पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब ने ये क्यों बात की? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को ये यकीन भी है, और वो ऐसा उनके बारे में एक उनकी शोहरत भी यही है कि वो एक हनस्ट इंसान है, ईमानदार शख्स हैं, और उसके बारे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो हुकूमत की बैकबोन है, किसी भी मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है वो उसकी बैकबोन होती है, स्टेट होती है, वो जो काम देख रही होती है कर रही होती है वो आपके साथ वाले बैठे बंदे को पता भी नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब को एक तो पाकिस्तान की एजेंसीज पर यकीन है और ख़ुद पे भी इत्माद है कि भाई वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, किसी के साथ डील नहीं कर रहे, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, ना ही उनका कोई एजेंडा है, ना ही उनके कोई किसी मुल्क में कारोबार है, ना ही उन्होंने किसी को जो है फेवर देनी है, ना ही ये मुल्क बेचना है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेक्ट करती हैं ये एजेंसीज, जब ये मेरे फ़ोन कॉल्स देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करना होना है कि मैंने बात क्या की है, क्या मामला चल रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, मैं आपको इंटरनेशनल तौर पर भी हवाले दूंगा और साथ में रखूंगा कि ये क्यों लोग डर रहे हैं, ये मरियम नवाज़ का बयान क्यों, ये इसकी घबराहट क्या है, क्योंकि इन लोगों को डर था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो उसने तो कारोबार करना था, उसने तो डीलें मारनी थी, उसने तो मोदी से गप्पे लगाने थी, उसने हर तरह के मामले, क्योंकि इन लोगों को डर क्यों है, क्या इन्होंने मुल्क के राज बेचने हैं? ये इसलिए डरते हैं एजेंसीज के कि वो जो कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं इन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी करनी होती है जिसमें डंडी मारनी होती है कि ताकि एजेंसीज को पता ना चले। अगर पाकिस्तान की एजेंसीज ये काम नहीं करेंगी तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो ये कैसे मुल्क चलेगा, कैसे मुल्क की प्रोटेक्शन हो सकती है जब आपके पास कॉल्स रिकॉर्ड नहीं है? अमेरिका की बात करते हैं, 500 मिलियन लोगों की उन्होंने जनाब वो रिकॉर्डिंग की, राइटर्स बता रहा है, बरतानवी नशराती इदारा है जो, वो राइटर्स ने बताया कि ये जो अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने खुद डाटा ये दिया, उन्होंने कहा कि हमने
35 जो गैर मुल्की जो सरबराहान हैं उनकी कॉल रिकॉर्ड की हैं। ट्रंप की कॉल रिकॉर्ड हुई जो रूस के सदर के साथ थी, उसके बाद उसके उनकी इम्पीचमेंट का जो है वो सिलसिला चलता रहा, 2.5 साल तक वो लटका रहा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहीं जो कॉल्स रिकॉर्ड होती रहीं। और उन्होंने आगे डेट, उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे पता चलेगा कि कौन कॉल्स कर रहा है मुल्क में, कैसे मामला चल रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं ना। या तो ये है कि एजेंसीज ने किसी की प्राइवेसी ज़िंदगी जो है वो सामने ला दी है, उसकी पर्सनल कॉल डाटा जो है वो शो करा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होता है। जो मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा हो वो चुप करके हो रहा था। और मुझे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया और ये अथेंटिक है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में आर्मी चीफ तक की जो है वो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, जनरल्स की रिकॉर्ड होती हैं, ब्रिगेडियर की रिकॉर्ड होती हैं, जो तमाम सिपाही हैं उन तक की लोगों की रिकॉर्ड होती हैं, ताकि यार पता चले ये MI क्या है, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ये क्या है। ये एक तो पाकिस्तान की जो एक जो फौजी हैं इनके ऊपर भी नज़र रखते हैं, इनकी कॉल्स भी रिकॉर्ड होती हैं, पाकिस्तान के टॉप जितने भी ऑफिशल्स होंगे उनकी कॉल्स रिकॉर्ड रखी जाएंगी, उनके बकायदा मिनट्स बनते हैं, उनकी बकायदा एक डाटा जमा होता है कि यार उन्होंने किस किस से बात की, क्या क्या मामला तय पाए, सारा कुछ जो है वो ये चीज़ें रिकॉर्ड पे होती हैं ताकि मुल्क की प्रोटेक्शन की जा सके। ये इदारे जो हैं इस तरह नहीं बने, इस तरह पाकिस्तान की एजेंसी ने दुनिया में नंबर वन का खिताब हासिल नहीं किया। सब लोगों को पता है कि यार जो पाकिस्तान की जो मारखोर हैं वो जहाँ पे कोई ना पहुँचता हो वहाँ पे ये मारखोर लाजमी पहुँच जाते हैं, और ये हकीकत है। बड़ी सेक्रीफाइस हैं, बड़ी कुर्बानी है, और पता भी नहीं चलता कि किसकी क्या रैकी हो रही है। ठीक है ना, साथ फरिश्तों को पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे भी मारखोर मौजूद है, तो ये लोग मौजूद हैं। लेकिन मरियम नवाज़ की ज़हनी हालत चेक करें ना, वो कहते हैं कि इस फौज को पाकिस्तान से निकाल दो, हमसे कोई बात कोई पूछे ही ना, ये फौज नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान को जो है वो बेचेंगे, वही करप्शन, वही चोरी, वही डकैती, अपनी यहाँ पे उन्होंने बादशाहत कायम करनी है वो करेंगे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एजेंसीज भी ख़त्म हो जाएँ, आर्मी भी ख़त्म हो जाए, जो इदारे उनके खिलाफ हैं ख़त्म हो जाएँ, सिर्फ वो आके इकतदार के मज़े लूटें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये लोग कितने दो नंबर थे, कितने ये डफर थे, और ये चाहते हैं कि इनकी ना रिकॉर्डिंग कॉल हो, इनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए। खैर ये एक बात क्लियर होगी। उसके बाद अभी असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया कि जो कनाडा है, कनाडा में बहुत से लोग मुझे सुनते भी हैं कनाडा में, तो कनाडा में एक जो जनरल है उससे कहा गया है कि तुमने वैक्सीन जो ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोरोना की, तुमने इसकी निगरानी करनी है, तुमने इसकी सुपरवाइजिंग करनी है। और वो बंदा नेटो का चीफ भी रहा है, नेटो का, वहाँ पे तो किसी ने कहा अपोजिशन ने कि तुम सिलेक्टेड हो, जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जिसने ट्रूडो, उसे तो नहीं कहा किसी ने, क्योंकि उन्हें पता है कि मुल्क के इदारों को साथ लेकर चलना कैसे है। अब आ जाते हैं जल्दी जल्दी हामिद मीर साहब पर, आपको कॉलम के कुछ मैं हिस्से बताता हूँ कि एक तो गुलाम कारकुन हैं और उनके लीडरान हैं सर झुकाकर गुलाम अपने गुलाम बने होते हैं, लेकिन हामिद मीर साहब ने भी अपना सानी नहीं छोड़ा, वो अब आसिफा भुट्टो की भी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने बड़े इसके ज़मीन आसमान में कुलाबे मिला दिए, आसिफा भुट्टो जो है वो जरदारी के बहुत करीब है, जरदारी को जब बात मनवानी हो तो आसिफा भुट्टो आगे आती है, बिलावल की बड़ी लाडली है, वो तो आना नहीं चाहती सियासत में, पहले उसे MPA बनने की ऑफ़र कराई कि उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं बाप की ईमानदारी करूँगी। अब जो है वो उसे जलसे में उतार दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो है वो अपनी माँ जैसी बहादुरी है, वो इनके सामने डट जाएगी, लड़ जाएगी। कहते क्या हैं, उन्होंने बचपन से अपनी वालदा और वालद को साजिशों के हसार में देखा है, जिसकी वजह से अहम सियासी मामलों पर उनका मौकफ कदरे जारहाना है, इसलिए वो अभी तक सियासत से परहेज करती रही हैं। अब वो कहते हैं आसिफा को अपनी मावनत के लिए सियासत में लाने का मतलब यह है कि वो जारहाना सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक इमरान खान बड़े खुशकिस्मत हैं, जितनी तेज़ी से उनकी हुकूमत गैर मकबूल हुई है उसकी मिसाल कम मिलती है। ये हाँ मेरे साहब लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है। अब वो कहते हैं कि जो बिलावल लेके आया है ये जारहाना सियासत करने लगे हैं, ये बड़ी तेज़ खातून है, बड़ी ज़हीन है, बड़ी बहादुर है, ये टैंकों के आगे लेटने वाली है, बंदूकों के आगे लेटने वाली है, पूरी कॉलम जो है प्रोजेक्शन कर दी है, क्योंकि पैसे हलाल करने हैं ना, सीधी सी बात है, उनको खुश रखना है, जरदारी साहब को अपना दोस्त कहते हैं। और पूरी बताई इन्होंने कहानी कि आसिफा भुट्टो जो हैं वो बख्तराव और भुट्टो की मंगनी में किस तरह जो है वो एक मोबाइल लेकर घूमती रहीं, बिलावल के सब लोगों से गुफ्तगू कराती रहीं, और कहा कि अब जो है PDM का जलसा जो है मजबूत बन जाएगा, वहाँ पर दो साबिक वज़रा आज़म की बेटियाँ मौजूद होंगी,
तो इस तहरीक को जान मिल जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें कि ये सहाफत का मियार है कि ये कल के बच्चे, बिलावल कहता है कि मुझे मेरी माँ ने जो पैसा दिया मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैंने और कोई कुछ नहीं कमाया, मैं उसी से गुजारा करता हूँ। यानी कि ये अपनी बात इज्जत के तौर पर कह रहे हैं कि मुझे मेरी माँ देगी है। भाई आपने एक आज तक एक रुपया कमा कर आपने जो है टॉफी नहीं ली और आप पाकिस्तान के जो है सियासत करने चले हैं और पाकिस्तान के लोगों को लीड करने चले हैं। आसिफा भुट्टो कल की बच्ची है ये इसको इसके सामने लोग माथा टेक रहे हैं। और हामिद मीर साहब देखें आपके सामने नाम है ये अपने आप को बड़े साहबी कहते हैं, उनकी जो है तारीफों में पुल बांध रहे हैं। यार ये बताएं ना कि इस मुल्क में मुरसियत कब ख़त्म होगी, इस मुल्क में कब इन लोगों से जान छुटेगी। हमारे मुल्क में हज़ारों ख़वातीन हैं जो बड़ी ज़हीन हैं, बड़ी अक्लमंद हैं, लेकिन ये मुरसियत में ये इस तरह के थर्ड क्लास जो जहन है वो हमारे मुंह पे मार दिए जाते हैं, हम पे मुसलत कर दिए जाते हैं और लोग वाहवाह लगा रहे होते हैं। बहरहाल ये आप देखें कि ये हम इसलिए इस बदयानती को बेनकाब करते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लोग चलें कुछ ना कुछ तो लोगों में ये जहनों में जाता है ना, जो लोग देखते हैं सुनते हैं उन्हें, तो वो थोड़ा सा इनसे क्या होता है कि ये मैजिक बुलेट थ्योरी मैंने बताई थी कि सीधा जाके जहन में पेवस्त होती है और वो जो लोगों में एक बयानिया बनता है तो नरेटिव बन जाता है। ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ये रात को 8 बजे बैठ के प्रोग्राम में टाइयाँ लगा के बैठ जाते हैं और 50-50 लाख तनख्वाहें लेते हैं साथ में, मज़ीद आपको पता है और कहाँ से आमदनी होती है, सब कुछ आपके सामने है और ये लोगों में क्या झूठ भेज रहे हैं। और ये नहीं बताते कि यार ये मरूसियत है, ये ख़ानदानी सियासत है, ये कल की बच्ची आपके मुसलत कर दी गई है, आप इसको लीडर मान रहे हैं, वाहवा कर रहे हैं, बलबले कर रहे हैं, जिए भुट्टो आसवा जिए, ये जिए वो जिए। मुझे इनकी ज़हनी हालत देख के यार होता है कि यार ये कितने ग़ुलाम लोग हैं कि इनको और दुनिया में कोई लीडर नहीं नज़र आता, इनके बेटे बेटियाँ लीडर नज़र आती हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों पर भी हैफ है। सारी ज़िंदगी जो है वो देखें कि इनके तलवे चाटते रहे, वो कभी जरदारी के, कभी भुट्टो साहब के, कभी बेनज़ीर के, फिर बिलावल के, अब आसफा के, बस अब देखें अब क्या आसफा तक को इन्होंने ही लीडर बना दिया, उसको भी ये मानने को तैयार है कि यार ये हमारी लीडर है। ये नहीं कहते कि यार हमने 50 साल सियासत में लगा दिए हैं, हमारा हक नहीं है, हमें तो आपने तहखाने में रखा हुआ है, अपने लोगों को आपने गुलदान, अपनी बेटियों को गुलदान बना के पेश किया हुआ है। बहरहाल ये आज की अहम तरीन जो है स्टोरीज थी वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।